नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेखा जी के फिल्मों के बारे में। 1970 में उनकी पहली फिल्म आई थी सावन भादो और वो फिल्म हिट रही थी। 1972 में उनकी दूसरी फिल्म आई थी गोरा और काला, ये फिल्म भी हिट रही थी। दोस्तों उसी साल उनकी तीसरी फिल्म आई थी रामपुर का लक्ष्मण और वो फिल्म भी हिट रही थी। 1973 में उनकी फिल्म आई थी कहानी किस्मत की और वो फिल्म भी हिट रही थी। उसी साल उनकी फिल्म आई थी कीमत और वो फिल्म एवरेज रही थी। फिर से उसी साल उनकी फिल्म आई थी धर्मा और वो फिल्म सुपर हिट रही थी। दोस्तों फिर से एक बार 1973 में उनकी फिल्म आई थी नमक हराम और वो फिल्म भी सेमी हिट रही थी। 1978 में उनकी फिल्म आई थी गंगा की सौगंध और वो फिल्म एवरेज रही थी। उसी साल उनकी फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। 1979 में उनकी फिल्म आई थी जानी दुश्मन और वो फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। उसी साल उनकी फिल्म आई थी मिस्टर नटवरलाल और वो फिल्म भी सेमी हिट साबित हुई थी। फिर से एक बार 1979 में उनकी फिल्म आई थी सुहाग और वो फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। 1980 में उनकी फिल्म आई थी खूबसूरत और वो फिल्म भी सेमी हिट साबित हुई थी। उसी साल उनकी फिल्म आई थी जुदाई और वो फिल्म हिट साबित हुई थी। फिर से एक बार 1980 में उनकी फिल्म आई थी मांग भरो सजना और वो फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। उसी साल उनकी फिल्म आई थी राम बलराम और वो फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। 1981 में उनकी फिल्म आई थी एक ही भूल और वो फिल्म हिट साबित हुई थी। 1982 में उनकी फिल्म आई थी गजब और वो फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। 1997 में उनकी फिल्म आई थी आस्था इन द प्रिशन ऑफ स्प्रिंग और वो फिल्म एवरेज रही थी। और 2010 में उनकी फिल्म आई थी सदिया और वो फिल्म फ्लॉप रही थी। 2014 में उनकी फिल्म आई थी सुपर नानी और वो फिल्म फ्लॉप रही थी।